आज कोविड संक्रमण को देखते हुए इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए और जो आम चर्चाएं पूरे देश में हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस वगैरह वगैरह, कई चीजें पर चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि हम लोग डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह के बदौलत ही आज हम लोगों ने कई चुनौतियों को बहुत सहज पूर्वक पार किया है। और चूंकि ये संक्रमण जिस तरीके से पहले वेव से दूसरी वेव में आया है और जो एग्रेसिवनेस इस संक्रमण में है, इस कोरोना में है, आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। ये सभी चीजों की जानकारी के लिए ही आज ये वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए आज इस वेबिनार में शामिल हुए WHO के सदस्य डॉक्टर रोड्रिको साहब, एम्स से जुड़े हुए डॉक्टर अशोक जी, मेदांता से जुड़ी हुई डॉक्टर नीलम मोहन जी और निभांस से जुड़े हुए डॉक्टर प्रदीप जी और हमारे राज्य के रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजेश जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हमारे सभी सिविल सर्जन आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, कई राज्य के हमारे सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट प्रैक्टिशनर इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं और आपकी बातों को, आपके सुझावों को सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। मैं भी आगे की, चूंकि हमारा ये ऐसा स्टेट है जहां हम कई चीजों में बहुत हमारी, हम कहें कि रैंकिंग पीछे है, जहां हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता है, जहां पर शिक्षा का घोर अभाव है, हमारा मैक्सिमम एरिया यहां ट्रेबल बेस्ड एरिया है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग यहां सबसे अधिक हैं, और इन समाजों में जो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं होती हैं, मैं समझता हूं कि आप सभी लोग अवगत हैं कि आज के दिन में इस कोरोना में भी कई भ्रांतियां, कई अफवाहें काफी जोरों पर चल रही हैं, कभी वैक्सीन को लेकर, कभी इस कोरोना महामारी को लेकर अलग अलग बातें लोग चर्चाएं करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये ट्रेडिशनल एक परंपरागत व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ स्थापित है। लेकिन फिर भी हम लोग सामाजिक जागरूकता लोगों में लाने का पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि फर्स्ट फेज को भी हम लोगों ने बहुत सहजता से पार किया है। लेबर बेस्ड स्टेट है यहाँ पर, और आज के इस वैश्विक महामारी में जहाँ कई राज्य लॉकडाउन पर हैं, कई पार्शियल लॉकडाउन पर है, और इसमें आज मजदूरों का भी मूवमेंट हमारे स्टेट में है, हमारे इर्द गिर्द हमारा ये झारखंड प्रदेश लगभग 5-6 राज्यों से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा से हमारी मैक्सिमम बॉर्डर जुड़े हुए हैं, बंगाल में कई बड़े बॉर्डरों से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इवन हम यहाँ चारों तरफ से हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट, ये 24 डिस्ट्रिक्ट का ये स्टेट है और इसमें 23 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेटों से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर चूंकि अलग अलग स्टेटों से भी मूवमेंट यहाँ पर होता रहा है और इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने इस बार जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है और थोड़ा इंटरस्टेट मूवमेंट को भी अभी हम लोगों ने रोक रखा है,
और इसके वजह से थोड़ी सी हमारी कोरोना संक्रमण में जो गिरावट आई है उसमें तेजी हुई है। जहां 15,000 16,000 प्रतिदिन लोग संक्रमित हो रहे थे, आज 21,500 के लगभग लोग हमें मिल रहे हैं। और जो मृत्यु दर है, ये बात सही है कि मृत्यु दर हम देश में बहुत बड़े पैमाने में दिखाई दे रहे हैं देश के आंकड़े में, और इसका कारण यही है कि हम लोग किसी भी तरीके का कोई नंबरिंग में पंचिंग नहीं कर रहे हैं। जो आमतौर पर आज खबरों में चल रहा है कि जो मृत्यु गांव में हो रहा है, शहरों में हो रहा है, उनके आंकड़ों में टेम्पर किया जा रहा है, उन आंकड़ों को दिखाया नहीं जा रहा है। हम लोग हॉस्पिटल से लेके कोई भी क्रिमिनेशन सेंटर का भी डिटेल लेते हुए ये आंकड़े को फ्लैग कर रहे हैं, ताकि जो सही आंकड़े मिले और हम सही डायरेक्शन की ओर जा सकें, ये हमारा मानना है। और सही जो भी हमारा एग्जैक्ट चीजें हैं, जो हमारे संसाधन है, उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकें। इसलिए मैं बहुत और ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं चाहूंगा कि जो हमारे मेहमान हैं, जिनको हम लोगों ने आज अगले इस चुनौती के जंग के लिए एक सुझाव के रूप में इनको आमंत्रित किया है, हम चाहेंगे कि उनके कुछ सुझाव सुने। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आग्रह होगा, आप उन सब चीजों को देखें और उनको नोट डाउन करें, ताकि हम लोग आने वाले समय में जो थर्ड फेज फोर्थ फेज की बात आती है उसको हम लोग थोड़ा इजीली टैकल कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है।